हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ काफ़ी सारे मैंने जो है अमेज़न से शॉपिंग की हुई है। काफ़ी सारे मैंने क्लच मंगाए हुए हैं, कुछ पर्स मंगाए हुए हैं, तो वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ आज। क्योंकि शायद मुझे लगता है आपने अभी तक मेरे ब्लॉग्स में ऐसा कोई भी वीडियो नहीं देखा है जिसमें काफ़ी सारे मैंने पर्स वगैरह ख़रीदे हों, लेकिन इस बार जो है ना मैं आप लोगों के साथ में पर्स कलेक्शन अपना शेयर करने वाली हूँ। क्लचेस मंगाए हुए मैंने काफ़ी सारे, क्योंकि मेरे पास पर्स तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन मेरे पास क्लच तो सिर्फ दो चार ही देखे होंगे। लेकिन इस बार मैंने काफ़ी सारे क्लच की शॉपिंग की हुई है, तो मैं दिखा देती हूँ। ये कुछ ऐसे हैं, बहुत सारे क्लचेस मैंने मंगाए हुए हैं। ये देखो, ये देखो, और भी हैं, ये देखो। तो ये है मेरे क्लचेस की शॉपिंग। तो मैं आप लोगों को वन बाई वन सारे क्लच दिखाऊंगी। तो गाइस, आज आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, क्योंकि कुछ टाइम से जो है ना मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, तो मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, पूरी तरह से ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत जो भी हल्की फुल्की ठीक हुई है, और आज क्लचेस दिखाएंगे, ठीक है? तो वन बाई वन में दिखाऊंगी। सबसे मोस्ट फेवरेट वाला मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये सारे जो पार्सल है ना मुझे 3 4 दिन पहले रिसीव हो गए थे। लेकिन मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था वीडियो वगैरह बनाने का, तो फिर सोचा चलो आज दिखा देते हैं। तो ये देख लीजिए भाई, ये मेरा मोस्ट फेवरेट वाला क्लच है, जो कि मुझे एक ही नज़र में बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मेरा दिल ही आ गया इस पे। वो कहते नहीं कि अगर एक बार कोई चीज़ देख लो, अगर एक बार में पसंद आ जाए, तो बस वही अच्छा लगने लगता है। फिर बाकी सारे ढेर लगा के रख दो, वो पसंद नहीं आने वाले उस पे से। तो ये एक नज़र वाला मेरा प्यार है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मेरे पास इस टाइप का कोई भी क्लच नहीं था। हालांकि ये जो क्लच है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता था। और ये इसमें ना यहाँ पे ये कपड़े के फ्लावर्स बना के चिपकाए हुए हैं बहुत ही प्यारे से, और यहाँ पे मोती वगैरह बीट्स वगैरह लगाए हुए हैं, पत्तियाँ लगाई हुई हैं। नज़दीक से मैं आप लोगों को दिखा दूँ, कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, बेबी पिंक कलर है इसका, और काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल भी था। तो मुझे यही वाला कलर जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो बस मैंने यही लिया। और ये देख लीजिए, ये कुछ इस टाइप से होता है। ये एक रिंग बनाई गई है, जो कि आपके हाथों में ऐसे ले सकते हैं आप, ऐसे टांग सकते हैं इसको। और इस रिंग के ऊपर ना बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ये कुंदन लगाए गए हैं, स्टोन लगाए गए हैं पूरे ही रिंग में, और इसको कुछ इस टाइप से बनाया गया है डिज़ाइन। अब मैं इसको आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ। और इसका जो शेप है वो राउंड शेप में दिया गया है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया हुआ है, और इसके अंदर एक और चेन भी निकली है। अगर आप इसको लॉन्ग मतलब टांगना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, और वैसे तो ये हाथ में ही पकड़ के अच्छा लगेगा इस टाइप से। इसमें आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप इसमें लिपस्टिक वगैरह है या छोटा मोटा सामान है आपका मेकअप का, वो आप रख सकते हैं इसके अंदर। लेकिन आप अगर मोबाइल की बात करेंगे तो इसमें मोबाइल नहीं रख पाएगा, क्योंकि ये मोबाइल के लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है? ये मेरा फर्स्ट क्लच है। अब सेकंड क्लच देखते हैं क्या है। कुछ कुछ क्लच मैंने जो है ना ओपन कर लिए थे, और कुछ मैंने नहीं किए थे, तो वो अभी ऐसे ही हैं। और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आए हुए थे, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बाहर से हम मंगा रहे हैं तो इसमें से कोई भी टूट फूट हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक ये है मेरा क्लच, ये कुछ इस टाइप से ओपन होता है। और ये जो क्लच है ना, ये इसका डिज़ाइन जो है ना कपड़े के ऊपर बनाया गया है, ये पूरा कपड़ा है, और इसमें भी काफ़ी सारी कलर्स अवेलेबल थे, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। ये है स्टोन इसका, इसको इस तरह से ओपन किया जाता है ऐसे। इसमें आपका मोबाइल जो है ना आराम से आ सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा है। ये देखो, इसको हम इस तरह से कैरी करके ले जा सकते हैं, कहीं भी आप पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो आराम से इसको ले जा सकते हैं। हाँ, ये इसके ऊपर ना पूरा जरी का काम किया गया है। ये मेरा सेकंड है, और अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरा थर्ड क्लच, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा
और बहुत ही अच्छी प्राइस में मुझे मिल गया था। वैसे मार्केट में मैंने ऐसा ही वाला क्लच देखा था, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था, 1400-1500 के करीबन मुझे मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सस्ते में मिल गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ से ही परचेज़ किया, अमेज़ॉन से ही। तो इन सभी क्लचेस के मैंने परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये कुछ इतना बड़ा साइज का है, इसमें आपका मोबाइल फ़ोन आराम से आ जाएगा, क्योंकि आपके काफ़ी सारे जो पर्स होते हैं ना, उसमें मोबाइल फ़ोन का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, इसमें मोबाइल फ़ोन नहीं आ पाते हैं। ये लेकिन इतना बड़ा है कि इसमें आराम से आपका सेलफोन जो है आ सकता है। यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का दिया गया है, जिसपे पूरा नगी नग लगे हुए हैं, इसका डिज़ाइन कुछ इस टाइप से है, बहुत ही शाइनी वाला कपड़ा है, कपड़े से ही बनाया गया है ये, और यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का टेसल्स लगाया गया है, बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है, सिंपल सोबर और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। यहाँ पे चारों साइड इस टाइप की ये दी गई है डिज़ाइन, पीछे आपको कुछ नहीं मिलेगा, पीछे आपको ऐसा टाइप का शाइनिंग वाला ऐसा कपड़ा मिलेगा, प्लेन है, और ये भी प्लेन ही है, इसमें थोड़ा सा बस ये पट्टियों वाला डिज़ाइन दे दिया गया है, बाकी बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही सिंपल सोबर और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। एक ये वाला क्लच है मेरा। तो जी, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो सारे क्लच आप लोग देख रहे हो ना, कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आए थे, और मतलब ये ऐसा ये लगा हुआ फॉर्म वाला है ये, इससे इसकी सेफ्टी है कि इसके जो भी नग हैं, कोई भी जरी का काम है, वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, बहुत ही सेफ्टी से आते हैं। अभी मैं इसको आप लोगों के सामने ही ओपन कर रही हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का क्लच है, जैसे कि आप अगर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो भी बहुत प्यारा लगेगा, ब्लैक कलर की साड़ी पहने हुए हैं तो उसके साथ में बहुत अच्छे से मैच हो जाएगा। पार्टी वियर ही है, इसको पार्टी में ले जा सकते हैं, किसी की शादी है, किसी को गिफ्ट देना है, तो इस टाइप के क्लच बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप दे सकते हैं। और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे वहाँ पे मिल गया था, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको इस प्राइस में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन अमेज़ॉन में मुझे ये मिल गया था तो मैंने ये परचेज़ किया। ये है ब्लैक कलर में, इसके ऊपर आप लोग देख रहे हैं ये पूरा जरी का काम किया गया है, और यहाँ पे छोटे छोटा 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 सीक्वेंस का काम भी किया गया है, ये एकदम पूरे कपड़े के ऊपर बनाया गया है, मतलब कपड़े के ऊपर ही इसको डिज़ाइन किया गया है, और देख ही सकते हैं आप कितना क्यूट और कितना प्यारा सा लग रहा है ना, आप इसको इस तरह से कैरी करके ले जा सकते हैं, और इसके अंदर चेन भी दी गई है, अगर आपको चेन लगाना है, टांगना है साइड से, तो भी आप ले सकते हैं। ये देखो, इसमें कुछ इस टाइप की चेन मिल जाती है, क्योंकि सारे ही कलर जितने भी मैंने आप लोग को दिखाए हैं ना, उसमें सभी में जो है ना इस टाइप की चेन मिल जाती है, तो आप इस टाइप से इसको कैरी कर सकते हैं। यह है मेरा प्यारा सा छोटू सा क्लच, और अब मैं आप लोगों को दिखाने जाने वाली हूँ, ये कुछ थोड़ा सा आप लोगों को ब्राइडल जैसा लगेगा, लेकिन न्यूली ब्राइड हैं वो इसको आराम से कैरी कर सकती हैं। ये कुछ इस टाइप का पर्स है, इसमें आराम से आप अपना सामान रख सकते हैं, इसमें अभी तो सारे न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं। इसका शेप दिखाने के लिए, इसमें इसके अंदर कोई जिप नहीं है, ये कुछ इस टाइप का ही है, इसके अंदर चेन रखी हुई है, बस आप इसको टांग भी सकते हैं, आप इसको पकड़ भी सकते हैं, और इसके अंदर आपका जो भी थोड़ा बहुत मेकअप का सामान है, आपका मोबाइल है, तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है साइज की, क्योंकि साइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मोबाइल वगैरह आराम से आप रख सकते हैं। यहाँ पे ये पीछे जिप दी गई है इस टाइप से, ये भी काफ़ी बड़ी दी गई है, जिसमें आप आराम से अपने पैसे वैसे रख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, ये कितना प्यारा तरीके से डिज़ाइन बनाया गया है इसका, यहाँ पे पूरा मोती वाली लेस लगाई गई है चारों साइड, मतलब इस टाइप से डिज़ाइन बनाया गया है मोती की लेस लगा के, और ये भी जो है ना कपड़े के ऊपर ही ये पूरा वर्क किया गया है, जरी का और धागे का ही वर्क है ये पूरा। और अब जो लास्ट पर्स है मेरा, वो मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का मंगाया है, क्योंकि ये सारे क्लच हो गए हैं, अब थोड़ा सा बड़ा भी होना चाहिए, कहीं हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, तो थोड़े बहुत बड़े पर्स भी लगते हैं, जैसे कि अगर हमारे साथ में कोई बच्चा है, या कहीं हम थोड़ा 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो उसमें एक आध जो कपड़े भी रख जाए, हमारी वाटर बॉटल भी रख जाए, खाना पीना भी रख जाए, थोड़ा बहुत है ना मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट भी ले जा सके, तो ये मैंने मंगाया है पर्स, ये कपड़े वाला पर्स है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है,
और प्रिंट तो आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रिंट कितना खूबसूरत लग रहा है, कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे, लेकिन आप लोगों को तो पता है कि मुझे ब्लैक कलर कितना ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। तो हम लोग जो भी चीज़ें हैं ना, ज़्यादातर हम लोग ब्लैक में ही देखते हैं। तो बस यहाँ पे ये मुझे पर्स बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और ये काफ़ी बड़े साइज का भी है। ये देख लीजिए, आराम से इस पर सामान आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, इस टाइप से इसको टांग सकते हैं, और यहाँ पे ये चेन चेन लगी हुई है, यहाँ पे ये चेन लगी हुई है इसकी। ओपन कर देती हूँ, ये देखो। और इसके अंदर एक इस टाइप की पॉकेट दी गई है, चोर पॉकेट। इसमें हम अपने पैसे हैं या कुछ भी ज़रूरी ऐसा खास सामान है तो हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसकी चेन लगा देती हूँ, ये देखो। तो ये मेरा लास्ट पर्स था। आप लोगों को कैसे लगे मेरा पर्स कलेक्शन, मेरा न्यू पर्स कलेक्शन, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यार लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, बिल्कुल फ्री होता है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दिया करो। आप लोग ऐसे ही चले जाते हो सिर्फ वीडियो देख के, लाइक ज़रूर करके जाया करो, क्योंकि इसके अंदर भी हमारी काफ़ी सारी मेहनत होती है ना। और हम लोगों को अच्छा भी लगता है आप लोगों के साथ में हर एक चीज़ शेयर करना। तो मुझे बताना ज़रूर कौन सा वाला क्लच मेरा सबसे ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया है। मैं जानना चाहती हूँ यार, कि मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ, तो आप लोग भी मुझे बताओ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है अपनी। ये देखो, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड यहीं कर देते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। दुआओं में ज़रूर याद रखना, मैं जल्दी जल्दी से ठीक हो जाऊँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आप लोग भी अपना ख्याल रखें।